नमस्कार, कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ सुदूर मध्य प्रदेश का जो अनूपपुर ज़िला है और जो प्राकृतिक सुरम्यता, हरियाली और जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम तट भी, अमरकंटक भी बहुत दूर नहीं है, वहाँ से आने वाले एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो अपने सहज सरल व्यक्तित्व के साथ भारतीय जनता पार्टी की धारा में बहुत गहराई से अपने को समाहित करके जो प्राण तत्व है बीजेपी का, उसे लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पार्टी ने उनको अनूपपुर को ध्यान में रखते हुए जो डिपार्टमेंट भी दिया है, क्योंकि अनूपपुर की सुरम्यता, वहाँ के आदिवासी इलाके में जिस तरह से लोक कलाओं का एक बहुत बड़ा संसार फलता फूलता है, तो उनका जो विभाग है वो है ग्रामोद्योग और कुटीर, और मध्य प्रदेश का ग्राम्य जनजीवन इससे बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं जो कोतमा विधानसभा सीट का मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज हैं उनके पास, दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक, बहुत बढ़िया हूँ। आज हम आपसे बातचीत शुरू करते हुए थोड़ी आपकी राजनीतिक यात्रा को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा बताइए कि जब बालपन था, किशोर मन था, सबसे पहले तो जी कभी भी नहीं था, मेरे घर में कोई भी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े थे, ना किसी दायित्व में कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि भी कोई नहीं थे। बेसिक रूप से व्यापारी थे और किसान थे, छोटे सी जगह रहते गांव में। तो बिजुरिया ने उस जमाने में छोटे ही से रहा, बहुत बहुत छोटा, आज भी नगर पालिका ही है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है। आप पार्षद भी रहे? हाँ, मैं पार्षद भी रहा, लेकिन मेरी रुचि बचपन से ही, बाई बर्थ कह सकता हूँ मैं, ये राजनीति में थी मेरी। और राजनीति में मतलब ये था कि कुछ ना कुछ अपने को समाज के लिए करना चाहिए अच्छा। तो जैसे मैं स्कूल में ही पढ़ता था, तो जब हम जिस स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर उस समय 11th क्लास का होता था बोर्ड, तो हमारे शहर में एग्जाम सेंटर भी नहीं था, तो हमको कोतमा जाना पड़ता था। मैं बिजली में जाता था, हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर आगे कोतमा था। उसके लिए मैंने प्रिंसिपल से बातचीत करके थोड़ा सा मतलब उससे वो भी हुआ, लेकिन चले फिर बाद में सब कुछ तैयार हुए, प्रिंसिपल साहब चिट्ठी पत्री हुई, वहाँ से आ गया कि ठीक है आप, हम देते हैं आप उसके लिए, भाई हमारे पास पूरे कमरे में भवन पर्याप्त है वहाँ पर। फिर ये आया वहाँ से कि 50 छात्र होने चाहिए, तो 50 छात्र नहीं थे हमारे यहाँ, 36 ही थे। तो फिर हम बिजली से एक गांव में एक और स्कूल था हायर सेकेंडरी, वहाँ से लिखवा के लाए, तो वहाँ था 15 बच्चे थे वहाँ, तो 51 हो गए। तो उन्होंने सहमत दी कि भाई बिजली होगा तो हमको भी अच्छा रहेगा, सुविधा रहेगा, तो वो हो गया। फिर बाद में आया कि 1500 रुपया कौन जमा करेगा, उस समय बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है ना, 1500 रुपया स्कूल में फंड था नहीं। तो मैंने बच्चों से सब इकट्ठा करके अपने जितने भी छात्र मित्र थे, जो जिसके पास जितना हो, 25 रुपया हो, 10 रुपया हो, 30 रुपया दो, ऐसा करके 700-800 रुपये इकट्ठा किए। फिर बाकी मैंने अपने पास से ही घर से लगा के जमा किया। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? अब 11th क्लास के छात्र थे, कितना 16-17 साल रहा हूँ। मतलब लीडरशिप का पहला गुण आपका वहीं प्रदर्शित हुआ। हाँ जी, ये रहा। और इसी प्रकार से हमेशा कुछ ना कुछ होते रहते रहा अपने टीचर से, प्रिंसिपल से, इन्वॉल्व फंक्शन को लेकर, कभी सरस्वती पूजा को लेकर, इसको हम बड़े अच्छे से करना चाहते हैं धूमधाम से, कभी खेलकूद को लेकर के सामान रखा हुआ है, आप दे क्यों नहीं रहे हम लोग को, तो इस प्रकार से रहता रहा। भारतीय जनता पार्टी का संपर्क कैसे और किस प्रेरणा से हुआ? जैसे बता रहा हूँ मैं, जब कक्षा 9 या 10 का छात्र था मैं, 77 में, तो मैं अपने शहर का जो मूल मतदान केंद्र था उसका मैं पोलिंग एजेंट था। अच्छा, जनता पार्टी जब हल्दर किसान था, जिसमें मोरारजी देसाई जी प्रधान, मोरारजी देसाई जनता पार्टी का, तो रहा मैं। अब मेरे घर पे छोटा सा रहा, तो चूंकि सब तो कांग्रेस का था वहाँ पर, भाजपा तो थी नहीं हमारे यहाँ क्षेत्र में, रीवा संभाग पहले कहलाता था, तो वहाँ कांग्रेस थे, तो समाजवादी लोग थे, तो समाजवादी नेता होने के कारण
चूँकि मेरे पिताजी समाजवादियों को सहयोग कर दिया करते रहे, तो इसलिए चाहे जमुना प्रसाद शास्त्री जी रहे हों रीवा के, वो भी जब आते थे तो मेरे घर पे आते थे, रघु ठाकुर जी हों सागर वाले वो भी आते थे तो हमारे घर पे आ जाते थे, उनके जो भी नेता रहते रहे लोकल वो हमारे घर पे लेकर जाते थे चाय पानी के लिए ऐसा करके, तो उनको देखता था। लेकिन जब सदस्यता की बात आई तो उनके लीडरों ने मेरे से काफ़ी बोला भी कि नहीं आपको हमारी सदस्यता लेना, और आपका भी युवा मोर्चे का जिले का बनारस में शहडोल जिला था, हाँ हाँ करता, लेकिन मैंने कभी लिया नहीं। बात आई सदस्यता की तो मैंने बोला चलो सोच समझ के लिया जाए। तो मेरे जीजा जी थे एक जो अब नहीं है, तो उनसे मैंने कुछ लिटरेचर वगैरह लिया, भारतीय जनता पार्टी वो भाजपा से जुड़े थे वो जी, उनसे भी मैं प्रभावित था, भाजपा का लिटरेचर वगैरह मंगाया, कुछ समाजवादियों का पढ़ा, इनका पढ़ा, तो मुझे लगा वास्तविक रूप से देखिए इस देश को, मतलब कोई आगे देश की राष्ट्र की बात कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करता है, और दूसरी चीज़ में हिंदुत्व की बात भी करते हैं, जो हमारे संघ के जो रहे प्रथम सरसंचालक कहेंगे जो अपने डॉक्टर बलिराम केसर हेडग्रेवाल, उनकी रौबदार मूछ है देखता रहा मैं और उसमें लिखा रहता रहा है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये शब्द मुझे बहुत प्रभावित करता रहा कि चलो कोई तो एक है ऐसा बोलने वाला, नहीं तो हिंदुओं को तो सब ऐसे ही मानते। तो वो मैंने पढ़ा वढ़ा सब कुछ किया, तो उसके बाद मैं रोक लगा रही। फिर एक समस्या कि हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं भाजपा का, जिस शहर मैं रह रहा हूँ भाजपा कोई लीडर ही नहीं। तो फिर मैंने अपने जिया जी से बात की, बोले ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम ही शुरू करोगे। तो मैं कोतमा में जा करके उस समय अवधेश ताम्रकार जी हमारे नगर अध्यक्ष थे वहाँ कोतमा के, उनके पास गया और उनसे बातचीत करके कि भाई मुझे सदस्यता चाहिए, क्या प्रक्रिया है। तो बोले कुछ नहीं, बड़े प्रसन्न हुए वो तो मुझको देख करके, बोले हम चाहते हैं आप जैसे लोग जुड़ो। तुरंत ही उन्होंने मेरी सदस्यता बनाई, उनसे मैंने चार बुक लेकर आया, उस समय ऐसे हाथ से बनाते थे 25-25 पन्ने की एक बुक हुआ करती रही, एक रुपये की सदस्यता होती रही, लेकर आया अपने हाथ से मैंने शुरू किया। ये रहा ये 81 में, 81 जब बीजेपी बन चुकी थी, उसके पहले तो जनसंघ था। हाँ मैंने लिया और फिर अपने जो भी मित्र मंडली रहे ऐसे गया, फिर ऐसे चलता रहा। फिर 84 में इलेक्शन आया लोकसभा, फिर उस पर विधानसभा। तो वो इलेक्शन क्या था कि सहानुभूति का था और बड़ा टेरर का भी था, इंदिरा जी के हत्या हुई उसमें एक तो सहानुभूति थी और कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से टेरर भी पैदा किया था पूरे देश में, जिस प्रकार से सिखों के साथ उनका उस ढंग से, तो बड़ा डर भाई भी रहता था क्या इनके विरोध में बोलेंगे तो कुछ कर सकते हैं, तो एक तरफा था ये तो था। तो अपना कैंडिडेट तो लड़े, हारना होता था, हारे और विधानसभा भी लड़े उस समय, हमारा कैंडिडेट वहाँ से कमोल सिंह जी हुए थे, तो जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन मन में एक बात आई थी जरूर, मैं किसी से बोला तो नहीं था लेकिन मन में था कि अगला इलेक्शन जो भी होगा भाजपा का होगा, ये मेरे मन में था कि विधानसभा हमारा जीतेंगे। और ईश्वर की ऐसी कृपा भी हुई कि जब विधानसभा इलेक्शन आया 89 में तो समझौते में हुआ भाजपा का और समाजवादियों से, तो हमारा जो शहडोल जिला था, शहडोल जिले में 8 विधानसभा और 1 लोकसभा होता था, तो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा समाजवादियों की थी भाजपा ने, और 5 विधानसभा भाजपा के खाते में आया। तो उसमें से जो हमारा कोतमा विधानसभा था वो भाजपा खाते में आ गया। हाँ लेकिन दुर्भाग्य था ये कि समाजवादी नेता जो रहे, क्योंकि उनका वर्क तो बहुत था उन्हीं का, तो वो लोग ने उसको माना नहीं समझौते को, और वहाँ पर जो जयसिंह मरावी जी जो इस भाजपा से MLA हैं 6ठी बार, उनको लड़ा दिया उन्होंने, और निशान भी ऐसा दिया उनको जो समाजवादियों का निशान था, चक्र था ना उनका उस समय BP सिंह वाला, तो वो वाला चक्र वाला निशान था उनका, तो वो लोग स्वास्तिक निर्दलीय थे, वो तो माने नहीं, लेकिन उनको सिंबल तो मिला नहीं पार्टी से, निर्दलीय तो स्वास्तिक लिए गोले के अंदर, स्वास्तिक चक्र जैसे दिखे। चलिए हुआ इलेक्शन, खूब फाइट था, अच्छा जबरदस्त, कोई नहीं कहता था कौन जीतेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, जैसा कि मैंने कहा कि अपन ने संगठन को गांव-गांव तक ले गए थे
क्योंकि 84 मैंने जैसे बताया कि जब हमको हादत है तो हमको बहुत कम वोट मिले, कहीं 5 वोट, कहीं 10 वोट, कहीं 2 वोट, कहीं 15 वोट, तो मैंने उन सबको मैंने देखा हर बूथ पे किसने हमको वोट दिया, और फिर उनको मैंने सदस्य बनाया और उनके साथ मिलकर फिर पार्टी का विस्तार भी किया, और उसके बाद जो अगला इलेक्शन हो तो हमने अपना कैंडिडेट जिताया, है ना। छोटे लाल सिंह साखी के थे, लगभग 1850 वोट से वो जीते। 89 के इलेक्शन में जिताया पहले ही, बताया ना जैसे 84 में हारे, 84-85, लेकिन 89 का हमने जीता वहां पर। समाजवाद के गढ़ को भी आपने, फिर उसके बाद से फिर लगातार जीतने का क्रम बना रहा। मैं आपके विभाग की तरफ आता हूँ, आपके पास जो विभाग है वो भी आपको काफी पसंद इसलिए भी होंगे क्योंकि ग्राम में जनजीवन को आपने बहुत करीब से देखा है, तो ग्रामोद्योग और कुटीर, बहुत संभावनाएं हैं। कुटीर एवं ग्रामोद्योग, जी कुटीर एवं ग्राम, लोग बजट से मंत्रिमंडल का अनुमान लगाते हैं, बजट हमारे विभाग में नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश का बढ़ा है, लेकिन पिछले 10 सालों हमारे विभाग का बजट घट गया है। आज हम 360 करोड़ में है और जो 2014 में स्थित थे उससे भी हम 5 गुना कम में है आज हमारे विभाग का बजट। लेकिन मैं समझता हूँ हमको बजट का बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो विभाग है वो कॉरपोरेट विभाग है, विकास देखा जाए तो भाई हम बिजनेस कराएंगे लोगों को और उनको उत्पादन को सही मूल्य मिले, उससे 2 पैसे उनको फायदा होगा, विभाग को भी फायदा होगा, फैसिलिटेटर जैसी भूमिका है, ऐसी भूमिका हमारी। और निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा विभाग है ये, हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सबसे प्रिय विभाग है। ऐसा कोई भी कैबिनेट ना होता हो जब कुटीर का उनके मुंह से ना आता हो, कहीं ना कहीं से घूम फिर के कुटीर उद्योग आ जाता है। आज भी जब हम कहते सस्ता अभियान का प्रारंभ करने तब भी उनके भाषण में कुटीर शब्द आया, आज भी जब कैबिनेट में तब भी ग्वालियर की मीट की बात आई तब भी कुटीर की बात आया, कुटीर उद्योग की बात तो ज़रूर आता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नहीं इसको अपन को बहुत अच्छे से काम करना, और मैंने भी समझा है जो कि निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा विभाग है और सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार अगर कोई दे सकता तो हमारा विभाग देता है। मेरे विभाग में खादी भी है और हथकरघा हैंडलूम भी है, रेशम भी है, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्योर चीज़ें हमारे यहाँ। जैसे हम रेशम की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछली जो भी गलतियाँ हुई होंगी हमारे डिपार्ट के अधिकारी कर्मचारियों से, तो जितनी हमारी क्षमता थी वो आज उत्पादन नहीं हो रहा उतना, तो हम पहली बात तो ये लगे कि जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता से पूरा हम उत्पादन करें, क्योंकि आज भी जितनी डिमांड है रेशम की उसका 25% ही पूर्ति कर पा रहे हैं, तो हमारी पहली क्षमता तो ये है। दूसरी चीज़, सरकार ने बहुत अच्छा इस पर एक पॉलिसी बना कर रखी पहले से ही कि आम लोग भी अगर कोई रेशम की खेती करना चाहता है जी तो उसको लगभग 360,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से हम सब्सिडी देते हैं किस्त बाई किस्त में, और वो जो भी क्रॉप उसमें तैयार होगा रेशम का कपूर मगर तैयार करेगा वो भी हम ही खरीदेंगे उससे, अगर उसको फ्री है वो चाहे तो बेच सकता है उसको ज़्यादा रेट, लेकिन नहीं है तो हम उससे खरीदेंगे, ये भी हम कर रहे हैं। दिलीप जी, यहाँ एक बड़ी अहम बात ये है कि हैंडीक्राफ्ट्स का एक बहुत बड़ा बाजार है भारत में भी और भारत के बाहर भी। आपको स्मरणीय होगा कि मध्य प्रदेश में बुदनी के पास लकड़ी के खिलौने बनाने का एक बहुत पुराना उद्योग है। हम लोग जब बचपन में थे तो सुहागपुर की, होशंगाबाद के आगे जो सुहागपुर है उसकी सुराही और मटके बड़े प्रसिद्ध होते थे, और जिन दिनों ट्रेन में थर्मस नहीं चलते थे तो वो सुराहियाँ सुहागपुर में तैनात रहते थे हम लोग बच्चे जब थे कि सुराही लेनी है। इसी तरह आप महेश्वर की साड़ियाँ, चंदेरी का ये जो है, इनका एक मेला, प्रदेश स्तर का मेला अगर अलग भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो आपने बुदनी की बात की लकड़ी का, वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, वो हमारा नहीं है वो आप, हाँ, लेकिन बाकी चीज़ें जो आपने कहा वो हमारा है, और हम लगातार मेला
लगाने के, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, पिछले महीना ही, जो गोहर महल है वहाँ हमने लगाया था, और एक दिन इतनी भीड़ हो गई थी वहाँ कि हमको गेट बंद करना पड़ा ये स्थिति आ गई थी। तो निश्चित तौर पर, और जैसे कि मैंने कहा प्योरिटी की बात, मार्केट में मिल जाते हैं रेशम की, सिल्क की साड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उससे प्योरिटी नहीं रहती। प्योरिटी हमारे यहाँ के जो है उत्पादन में प्योरिटी रहता है, उसको गारंटी। मैं एक दिन डीवी मॉल भी गया था, तनेरा में गया था, तो वहाँ पर बड़ा शोरूम है टाटा वालों लगाया है, जो उन्होंने साड़ी बेच रहे हैं अपने चंदेरी की और महेश्वर की, बाग प्रिंट की, सिल्क की, और साथ में बनारस की, ऐसे हैंड मेकिंग जो है वो लगा रहे। तो मैंने देखा वहाँ पर उनके जो कॉस्ट देखा, मैं उन्हें विभाग के भी लोग लेकर गया था, तो मैंने बोला देखो हमारा जो विभाग काम करता है इसमें जो लोग काम करते हैं सबसे गरीब लोग काम करते हैं, और इसका जो उपयोग करते हैं वो सबसे बड़े लोग करते हैं, क्योंकि आज का जो मेंटलिटी है वो ये है, जो बड़े लोग हैं उनको कुछ यूनिक चीज़ें चाहिए, हैंड मेकिंग वाली चाहिए, हाथ से बनी हुई चीज़ चाहिए। आप देखें एक सलवार सूट भी लेते हैं कोई महिलाएं, तो वो आम टेलर के पास जाते हैं, वो जाते हैं बुटीक में जाते हैं, बुटीक जहाँ पर 25,000-50,000 रुपये उसकी स्टिचिंग का वो पैसा खर्च कर देते हैं। तो मैंने बोला ये युग चल रहा है, तो हम इसमें आप थोड़ा सा IIM के IT के बच्चों से, वहाँ के प्रिंसिपल से उसके करके संपर्क करके थोड़ा डिज़ाइन में परिवर्तन लाओ। तो ये मैंने कहा, और इसके लिए अपना MU भी हुआ IIM के बच्चों प्रिंसिपल से हमने किया उसके लिए, और हम रेशम के मामले में बहुत अच्छी नई डिज़ाइनिंग के साथ में, और मैंने बोला जो हम रेट रखते हैं आप इसको बढ़ाइए, उससे फ़ायदा होगा गरीबों को, प्रॉफिट हमारी आएगी तो हम उनको दे सकेंगे, और ज़्यादा बेचारे बुनकरों को। और इसमें बार कोड और QR कोड भी लगाओ, जिससे कि कोई जब लेने आए तो उसको पूरा प्रोसेस दिखना चाहिए कि हम किस प्रोसेस से इस साड़ी को तैयार किया है, इस कपड़े को हम किस प्रोसेस से तैयार किया। बहुत अच्छी बात, QR। तो ये QR कोड लगाइए आप, बार कोड के साथ साथ QR कोड लगाइए आप, जो बिल्कुल वो है। तो ऐसा हम लगातार बोल रहे हैं। इसके पहले वैसे ही मैंने जब पहले ज्वाइन किया तो उनसे मैंने फीडबैक जो लिया कि भाई आप पहले बताएं मुझे क्या क्या होता है, ये है वो है, सभी ने बताया। तो जो एक हमारे यहाँ विंध्या वैली है, वो भी हमारे ही खादी के अंदर है, उसमें सरसों का तेल ग्वालियर में बनाई जाती है, लकड़ी का ओखली है और लकड़ी का ही मूसल है, घानी सब है, और हाथ से चला के लकड़ी तेल निकालते हैं। तो मैंने बोला देखिए बाबा रामदेव जी के यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता वो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल प्योर ओरिजिनल, लेकिन इसकी ब्रांडिंग नहीं है। तो ब्रांडिंग करिए, देखिए ब्रांडिंग का जमाना है, प्रस्तुति का जमाना है। एक रोटी आप ढाबा में खाते हो 5 रुपया देने में खर्चता, वही रोटी फिर जाते हैं अपन 5 स्टार में 125 रुपये देते हैं और हंस के दे देते हैं, है? जबकि रोटी में तो आटा उतनी लगा है, ऊर्जा उतनी लगा बनाने में, सब कुछ लगेगा नहीं। तो ऐसे ही है हमारा मामला कि हम प्रस्तुति जितना अच्छा करें तो उतना अच्छा आएगा। अभी मैं गया था दिल्ली, तो मध्य प्रदेश भवन आप देखे होंगे, वहाँ जाएंगे देखें तो हमारा एक शोरूम छोटा सा है 8x12 में, छोटा सा शोरूम है साड़ी का ही। उससे मैं इसे देखा, और सेल्समैन बहुत अच्छा वहाँ पर देखा, उससे देखा प्रसिद्ध, उसने एक साड़ी दिखलाया जिसमें सोने की दांत से उससे पूरी डिजाइनिंग उजाइनिंग की गई, 80% ओरिजिनल गोल्ड से, कॉस्ट मात्र 47,000 रुपये था। मैं बोला इसको अगर आप कॉरपोरेट मार्केट में जाकर शोरूम डालो, अपने भाग के लोगों से मैंने बोला है आप चूँकि करेंगे, तो इस साड़ी को 4.5 लाख से शुरू करो आप। अच्छा उसका रीसेल अगर वापसी भी करते हो तो वो हम रीसेल भी लेते हैं, तो वो सोना लगा हुआ उसमें तो उसका ये भी है। क्या क्या कॉस्टिंग है उस साड़ी की वैसे? अभी तो 47,000 भेज रहे हम, और बल्कि 20% छूट भी दे रहे हैं, 47,000 और 20% छूट डिस्काउंट है। और वो अगर हम अच्छे मार्केट में चले जाएं, अब पूरा हैंड मेकिंग है, एक एक साड़ी हमारे यहाँ आप देखेंगे जो भी कपड़े बनते हैं उसमें बुनकर बेचारे कितने मेहनत करते, पूरे चरखे के माध्यम से, सूत कताई से लेकर के काकून से सीधे लेकर फिर साड़ी बनाना, सारा डिजाइन सब कुछ हाथ से। आप बाग प्रिंट देखेंगे, महेश्वर की साड़ी देखेंगे, चंद्री सब हाथ से होता,
सिल्की इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग करते, इतना अच्छी छापे लगाते वो कि मशीन से बेहतर दिखेगा आपको, कोई कह नहीं सकता कि हाथ क्या। चादरें देखिए आप, कुछ भी देखिए हमारे यहाँ का आइटम। दिलीप जी, आपकी बातचीत से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे, जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण पहल है कि आप मार्केटिंग पे बहुत जोर दे रहे हैं। हाँ। और मार्केटिंग में भी आप चाह रहे हैं कि जो नामचीन देश के प्रबंध संस्थान हैं वहाँ एक आपका MOU हो और वो आपको विपणन की यानी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज बताएं, रणनीतियाँ बताएं, और ये बहुत ही अच्छी सोच है। और आपको क्या लगता है, पूजा शुरू होने वाली है गणेश जी की, फिर दुर्गा जी की, आपके पास मिट्टी के कारीगरों का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा है, फिर इसी के साथ दीपक, अब दीपावली भी 2 महीने बाद है, तो आर्टिस्टिक दीपक जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ढाबे पे रोटी 5 रुपए की है और जो कुम्हार के पास का दीपक है वो 2 या 5 रुपए का है, उसी को आर्टिस्टिक कर देते हैं तो वो 200 रुपए का हो जाता है। तो ये यहाँ भी क्या इस तरह की सोच के साथ आगे बिल्कुल करेंगे। और अभी इसी सोच के साथ आपको और बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे हमने रेशम के अंतर्गत अभी एक मढ़ई में हमने रेशम का पूरा पार्क बनाया हुआ बहुत बड़ा, और वहाँ पर एक छोटा सा भी हमने एक टूरिज्म के लिए भी वहाँ पर एक कह सकते हैं होटल तो नहीं बोलेंगे, ऐसा बनाया है हमने रेस्ट हाउस टाइप से, कि वहाँ जाएंगे लोग पैसा देंगे रुकेंगे और उनको हम पूरा उसका पार्क घुमाएंगे। और प्राकृतिक शोरूम भी एक डाल रहे हैं वहाँ पर, रेशम कैसे बनता है क्या होता है वो सब दिखाएंगे, रेशम की बगड़ी से दिखाएंगे, सब कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा प्लानिंग है आगे चल करके, अब उसमें चूंकि अधिकारी अभी है नहीं, और कि चाहे पचमढ़ी हो, चाहे आपका चंदेरी हो, महेश्वर हो, इन जगह भी ये सब चीज़ें हम करेंगे कि लोगों को हम टूरिज़्म के लिए भी उससे जोड़ें, रेशम से, सिल्क से, खादी से, और वहाँ पर रुकने का और कैसे प्रोसेस से बनाते हैं करते हैं उनको, वो सारी चीज़ें हम दिखाएं उनको और वहाँ पर एक टूरिज़्म के रूप में भी डेवलप करें। इसके लिए हम CM साहब के साथ अभी समीक्षा बैठक होगी, तो उसमें रख करके उनसे भी सहयोग ले करके इसमें जैसा उनका मार्गदर्शन और होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, उस हिसाब से हम काम करेंगे। ये प्लानिंग जैसे आयल के बारे में बताया मैं, उसकी भी हम ब्रांडिंग करना चाहते हैं, सब चीज़ों का चाहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें जैसे एक जिला एक उत्पाद भी माननीय मोदी जी ने शुरू किया, तो उन एक जिला एक उत्पाद को भी, ये हमारा ही जैसे विंध्या वैली हमने चालू कर, तो उसमें हम जोड़ करके अच्छा मार्केट उनको मिले, जिससे उनको भी अच्छा मूल्य मिले, उनको भी लागत, उनको प्रॉफिट बढ़े उनका, ये सब हमारे करने के आगे की योजना प्लानिंग है। कुछ ऐसी मोबाइल शॉप्स भी क्या आप शुरू करेंगे, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि हाईवे पर बहुत छोटे छोटे जो मोबाइल शॉपकीपर्स हैं, चाहे वो मोबाइल बेच रहे हों, मोबाइल के एक्सेसरीज बेच रहे हों, या हेलमेट बेच रहे हों, या कपड़े बेच रहे हों, मैं देखता हूँ वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में आपका नेटवर्क है, अगर आपकी मोबाइल शॉपिंग भी शुरू हो जाए, हाईवे से कोई निकल रहा है उसको लगा कि महेश्वरी साड़ी इतनी बढ़िया यहीं मिल रही है, मैं झाबुआ से गुजर रहा हूँ, मैं महाकौशल से गुजर रहा हूँ, मैं अनूपपुर से गुजर रहा हूँ, तो कुछ इसकी भी योजना है मोबाइल आपकी शॉप्स जो मूल। अच्छा आइडिया दिया आपने, और चलो इसमें अपन, आपका बहुत अच्छा आइडिया है, इस पर अपन जरूर करेंगे कि इस प्रकार के भी शॉप लगाएं, जैसे कि जहाँ पर भी मेले का उत्सव का ऐसा अवसर आता है, जैसे आपने बताया दुर्गा उत्सव भी आ रहा है, गणेश उत्सव भी आ रहा है, तो ऐसी जगह में कुछ मोबाइल शॉप भी अपन लगाएं कि भाई ये महेश्वर का है, ये चंदेरी का है, ये रेशम का है, ये बाघ प्रिंट है, ऐसा अपन करेंगे तो इसका भी अच्छा लाभ मिलेगा। और होने के लिए शोरूम तो पूरे देश भर में है हमारा, हाँ पूरे देश भर, देश भर में, लेकिन उसको मैं अभी महसूस कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा मॉडिफाइड करने की आवश्यकता है, उसको मॉडिफाइड करेंगे हम। केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने जिस तरह से फैशन शोज आयोजित किए हैं, और मेरा एक विनम्र सुझाव ये भी है कि अभी देश में, हालांकि वो राजनीतिक चर्चा हुई जब एक बड़ी पार्टी के एक अहम नेता ने ये कहा कि समाज के कमज़ोर तबके से मिस इंडिया नहीं सामने आई, तो ये एक अलग बात है, इस पर जो डिबेट होगी सियासत में होती रहे, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात होगी कि महेश्वर का टैलेंट, अगर आप महेश्वर में एक फैशन शो करते हैं और महेश्वर के युवाओं को, और अगर कारीगर परिवार के युवक युवती सामने आते हैं, इसी तरह बाघ प्रिंट,
इसी तरह आपके जहां ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश के ही लोग होंगे तो ये अट्रैक्ट और करेगा। ठीक, लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया था पूरे मध्य प्रदेश में, हमारा विभाग ने किया था, उसमें था सारी वाकथान, जिसमें इंदौर में विशेष रूप से हमने किया था, पूरे बाकी पूरे जिला मुख्यालय में हुआ था कि हमारे जो आज के युवा लड़ी हैं, जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, मतलब उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि साड़ी को पहन करके बढ़िया वॉक करना है, चलना है, घूमना है, ये करना है, जिससे ये देना संदेश कि साड़ी कोई टिफकल नहीं है, साड़ी पहन के भी सब काम किया जा सकता है, ये हमारी भारत का भारत की पहचान है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसा, उसी के आधार पर हमने ये कार्यक्रम किया था उसमें साड़ी वॉक थाम का, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री भी आए थे, काफ़ी बड़ा अच्छा सफल कार्यक्रम था, लगभग 25,000 से भी ज़्यादा प्रॉपर इंदौर में लोग पार्टिसिपेट किए थे उसमें, और पूरे प्रदेश में बात करेंगे तो ऐसा कोई जिला नहीं रहा होगा जहाँ पर 1,500 से कम लोग पार्टिसिपेट किए होंगे, हर जिले में किए थे, ये हमने किया था। बहुत धन्यवाद करता हूँ दिलीप जी बातचीत के लिए, जितना सहज और सरल आपका व्यक्तित्व है।